पॉलिटिक्स हमें आती नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, टेक्निकल एजुकेशन है हमारी और हमारा वही वर्टिकल है। साइंस स्ट्रीम से हमने पढ़ाई की है और अभी मैं इंजीनियर हूँ और एक सक्सेसफुल इंजीनियर हूँ। सभी लोग थोड़ा मतलब दो मिनट के लिए भैया के मतलब ये दो शब्द सुन लिया क्योंकि काफ़ी लोगों तक हमारा एजेंडा क्लियर है। बाकी हम एक मिनट बाकी हम लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब और जो भी लोग रह गए हैं जिनके कानों तक अभी सही से ये एजेंडा नहीं पहुंच पाया तो दो मिनट के लिए भैया की बातें सुने तो शायद वो सब क्लियर हो जाएगा कि हमारा विजन क्या है, हमारा एम क्या है, क्या उद्देश्य है हमारा गाँव की प्रधानी में आने का। ठीक है, तो प्लीज़ दो मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, नमस्कार सभी को। सो सबसे पहले तो मैं अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा चुनाव चिन्ह है टेबल लैम्प। टेबल लैम्प हमारा चुनाव चिन्ह है। हमारी माताजी ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं बोल रहा हूँ। सो हमारा जो अप्रोच है, जो हमारी सोच है, वो डेवलपमेंट ड्रिवन अप्रोच रहेगी। हमारा फोकस पूरा काम पर है, पॉलिटिक्स हमें आती नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, टेक्निकल एजुकेशन है हमारी और हमारा वही वर्टिकल है। साइंस स्ट्रीम से हमने पढ़ाई की है और अभी मैं इंजीनियर हूँ और एक सक्सेसफुल इंजीनियर हूँ। सो डेफिनेटली हमारा जो उद्देश्य है ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने का, अपनी माताजी को प्रत्याशी बनाने का, वो ये है कि जो व्यवस्था भी चल रही है, वो सड़कों की या नालियों की हालत या लाइट की या जो भी पानी की स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की, एक प्रयास है कि हम अपने आप को प्रत्याशी बनाएंगे। हम कई लोगों के पास गए कि इस समस्या के लिए समाधान क्या है, हमें एक सूटेबल कैंडिडेट चाहिए जो एक नियत के साथ, एक दृष्टि के साथ काम कर सके। सो वो हम आइडेंटिफाई करने में नाकाम रहे तो हमने अपना कैंडिडेचर प्रपोज़ किया। अपना कैंडिडेचर जब हमने प्रपोज़ किया तो उसका भरपूर लोगों ने समर्थन किया, हर समाज से समर्थन किया। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, अगर हम कामयाब होते हैं तो हम डे फर्स्ट से काम शुरू करेंगे और डे लास्ट तक एक रिपोर्ट कार्ड अपने लोगों को दे देंगे। ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं वो किसी भी समय हमसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कि हम कम्प्लीटली अकाउंटेबल रहेंगे हर काम के लिए, कि हम हर आदमी के क्वेश्चन का आंसर दें। वो आम आदमी जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत है और जो उसका अधिकार है, उस अधिकार क्षेत्र में वो हमसे कोई भी क्वेश्चन करें और हम उसका आंसर करें। और ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमारे ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में जो भी सारी योजनाएं हैं, जो भी उसका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र का सही इस्तेमाल करें, सही नियत से उसकी निधि का इस्तेमाल करें और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके लिए वो योजनाएं आती हैं तो रूट लेवल तक हम वो योजनाएं लेके जाएं निष्पक्ष रूप से। सामाजिक न्याय का विशेष ध्यान रखेंगे और जो निधि आएगी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे। हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे और जितने भी फंड्स आएंगे वो फंड्स हम वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे। कोई सड़क बना रहे हैं उसके लिए फंड्स कितना एलोकेट हुआ और वो फंड्स कितना इस्तेमाल हुआ, वो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगी। ऐसा डेटा इस समय कहीं भी कोई अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं पता कि पिछली 5 वर्षों में कितना फंड आया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, कितनी सड़कें बनी, कितने नल गड़े, कितने सोलर पैनल एम्बेडेड लाइट्स लगे, कितना विकास हुआ, हमारे पास कहीं कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं सुनिश्चित करूँगा और ये मैं आश्वासन देता हूँ वो सारा डेटा पब्लिक होगा और आप उसे रूट लेवल तक एग्जीक्यूट होते हुए देखोगे। धन्यवाद। कोशिश है यार सभी लोग आपका सहयोग।